नमस्कार दोस्तों, दैनिक एजुकेशन टीवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दैनिक एजुकेशन टीवी को सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, क्या 24 अप्रैल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आने वाले है, उसके बाद क्या हमारे रिटायरीज को पेंशन अपडेशन हो सकता है? Will pension updation after 22nd 2022 judgment Supreme Court of India? इसका जो आंसर है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं इसके खिलाफ थोड़ा 3 से 4 सपोर्टिंग बात बताना चाहती हूँ। 22 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट देंगे, सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से जजमेंट देंगे? पहले तो आईबीए का जो लॉयर है उसको पूछेगा, क्या आईबीए रिपोर्ट अभी तक सबमिट कर पाए कि नहीं। अगर रिपोर्ट सबमिट कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अलग से इसके ऊपर विचार करेंगे। अगर आईबीए ने रिपोर्ट सबमिट नहीं किए तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुझे लगता है जैसे केरला हाई कोर्ट में हो रहे हैं, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी तारीख पे तारीख दे देगा। नंबर वन केस। सेकंड केस है, क्या डीएफएस के साथ आईबीए के इसके बारे में कोई बातचीत हुआ? एफएम के साथ कुछ बातचीत हुआ आईबीए का? कोई भी बातचीत इस टाइम में तो नहीं हुआ। तीसरा जो मेरा सपोर्टिंग चीज है वो ये है दोस्तों, बैंक रिटायरीज का एसोसिएशन आईबा पार्ट AIBRF इतने सारे भर भर के जो सर्कुलर आईबीए को लिखा है, एफएम को जो लिखा है, डीएफएस को लिखा है, उसका एक भी जवाब अभी तक तो नहीं आया है। तो सब कुछ देख के हम लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों, अभी भी तीन से चार साल लग जाएगा पेंशन अपडेशन होने में। अगर ग्राउंड लेवल में कोई भी काम नहीं होता तो किस तरीके से हमारे पेंशन अपडेशन होगा? देखिए, अक्टूबर मंथ में 2022 का अक्टूबर मंथ में हमारे 12th बाइपार्टाइट शुरू हो जाएगा। इसके लिए AIBA, UFBU जोड़ों शोरों से काम कर रहे हैं, मतलब उन लोगों का तो बाइपार्टाइट से मतलब है, और जो पेंडिंग इशू है उसको, उस चीज़ को लेके AIBA UFBU का उतना मतलब नहीं है, क्योंकि उसका मुझे लगता है बिजनेस नहीं है। तो 12 बाइपार्टाइट में बिजी हो जाएगा सारे बैंक यूनियन। तो इस साल भी मुझे लगता है, और वर्किंग यूनियन तीन से चार आपका रिपोर्ट भेजेगा, सर्कुलर भेजेगा, लेकिन उस सर्कुलर भी जवाब नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है, विल पेंशन अपडेशन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो इसका आंसर है इस टाइम में, तो इसका आंसर हम देना चाहते पेंशन अपडेशन नहीं होगा इतना जल्दी। और इस क्वेश्चन के बारे में जो मेरा सब्सक्राइबर ने पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन का बारे में आपका अगर कोई भी सुझाव है, कोई भी राय है, तो आप प्लीज रखिए। क्या 3 से 4 साल और लगेगा पेंशन अपडेशन और पेंडिंग इश्यूज को सॉल्व करने में? नहीं, 2022 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।